तरफ आंद्रे रसल, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल, तो दूसरी ओर शिखर धवन, ऋषभ पंत, मार्कस स्टॉइनिस, पृथ्वी शो और श्रेयस अय्यर, ये दुरंधर होंगे शारजा के छोटे से मैदान में। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि आज तो शारजा में छक्कों का तूफान ही आ जाएगा। इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया के एक ओवर में लगाए 5 छक्कों को याद करें तो ऐसी सोच लाजमी है। ये मैच अब से ठीक 30 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं इस मैच के बारे में अहम जानकारियां। हेड टू हेड बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों ही टीमें 23 मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने आई। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि 13 मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की है। बात अगर बीते 5 मुकाबलों की करें तो दिल्ली ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार कोलकाता ने जीत दर्ज की है। पिच रिपोर्ट। इस मैदान की पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी और साथ ही यह छोटा मैदान है, इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच होगा। पिछले मैचों में भी इस पिच पर काफी रन बने थे, 200 से ऊपर रन बनाने के बाद भी मैच जीतने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम रिपोर्ट। शारजा में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा, तापमान 20 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही शारजा में भी आसमान साफ रहेगा, तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 के हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।